सबसे बड़ी खबर है ये, भारत के लिए अगले 20 से 35 दिन बेहद अहम है। 20 से 35 दिन में नया वेरिएंट भारत आ सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। जापान पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। फेड के मिनट आने के बाद पहले तो मार्केट को समझ में नहीं आया कि इस पे क्या रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि दोनों बातें थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये कि दरें बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रहेगी, नेगेटिव ये कि दरें बढ़ती रहेंगी और 2023 में दरें कम होना शुरू नहीं होंगी। तो अब मार्केट बड़ा डवाडोल सिचुएशन में था, लेकिन अब मार्केट को ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नेगेटिव बातें गोल्ड में प्राइस के लिहाज से ज़्यादा हैं फेड के मिनट में, लिहाजा अब गोल्ड ने रिएक्शन दिखाना भी शुरू किया है। और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब करीब आप देखें तो 200 रुपये नीचे है और चांदी में करीब करीब 850 रुपए की गिरावट। जो फेड के मिनट्स आए हैं उसके बाद नो डाउट मार्केट का रिएक्शन थोड़ा सब्ड्यूड था, बट जिस तरह से आज हमने करेक्शन देखा है, मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट गोल्ड में और एक्सटेंड हो सकती है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हालांकि ये जो करेक्शन है वो डाउनसाइड लिमिटेड ही रहेगा, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। सिल्वर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है गोल्ड के सामने, जबकि पिछले कुछ महीने काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अभी एक हमने देखा है डायरेक्शन बेस मेटल्स के साथ भी थोड़ा ज्यादा कोरिलेशन अच्छा है सिल्वर का, और हमने करेक्टिव मूव देखा है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी एक अच्छा करेक्टिव मूव में रहेगा।